हेलो दोस्तों, क्या आप आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो। अगर हाँ तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हो दोस्तों। और ड्राइविंग लाइसेंस 2 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप में आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है और उसके 6 महीने के बाद उसका कुछ प्रोसेस कर मतलब आपको RTO ऑफिस, उसकी फ़ीस भरनी पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस पेमेंट कर आपको RTO ऑफिस जाना पड़ता है। RTO ऑफिस भरने के बाद 6 महीने के बाद फिर आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, आपको 6 महीने के बाद उस ड्राइविंग लाइसेंस के फिर आपको ओरिजिनल लाइसेंस मिलता है जो परमानेंट रहता है। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है 6 महीने बाद। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं डिटेल्स में। उसके लिए आपको 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए होता है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अप्लाई करने के बाद। उसके बाद आपको फ़ीस जमा करनी पड़ती है, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको RTO ऑफिस जाना होता है, उसके बाद आपका लर्निंग लाइसेंस बनता है। तो उसके बाद आपको उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहती है। और 6 महीने के बाद आपको दूसरा प्रोसेस करना होता है, वो सेम प्रोसेस होता है उसका भी, वो जो ओरिजिनल लाइसेंस जो वो मिलता है आपको। तो उसके बाद आपको फ़ीस जमा करनी होती है, अपॉइंटमेंट लेना होता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद RTO ऑफिस जाना होता है। तो आपको एक पब्लिक कहते हैं ना, पब्लिक टेस्ट देना होता है, पब्लिक ट्रैफिक ट्रैफिक साइंस के बारे में टेस्ट देना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आप उन स्टेप को कैसे पूरा करते हैं और क्या क्या स्टेप हैं। मैं आपको अपनी कंप्यूटर अपनी मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर बताऊंगा, तो आप देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। इस पेज पर पहुँच जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी स्टेट चूज़ कर लेनी होगी। यहाँ पर अपनी स्टेट चूज कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट है। हरियाणा, मेरी हरियाणा है तो मैं हरियाणा चूज कर लेता हूँ दोस्तों। उससे चूज करने के बाद अब आपको पूछ रहा है कि आपको कौन सा लाइसेंस बनवाना है, मतलब लर्निंग लाइसेंस। लेफ्ट साइड में आपको एक मेन्यू मिल जाएगा। स्टेट चूज करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन चूज करना है। ये अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन। अब जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन चूज करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, न्यू लर्नर लाइसेंस, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। तो पहले आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है शुरू शुरू में। यहाँ पर ये दो, तो हम न्यू लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाता है, न्यू लर्नर लाइसेंस एंड न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। तो हम न्यू लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। शुरू में हमको न्यू लाइसेंस पर अप्लाई करना होता है। यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। LL टेस्ट स्लॉट, एक आपको यहाँ पर एक स्लॉट बुकिंग करनी होगी, शायद स्लॉट में एक डेट बुक करनी होगी। उसके बाद आपको फीस पे करनी होगी। जो आप डेट बुक करोगे उसी डेट को आप RTO ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर आप एक ट्रैफिक साइंस टेस्ट होगा, वहाँ आप उसको देकर ट्रैफिक साइंस टेस्ट होगा। उसके बाद आपको एक लर्निंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस दे दिया जाएगा, मतलब अप्रूव कर दिया जाएगा, और ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा दोस्तों। आप समझ गएंगे, आपको डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर अपलोड फोटो, तो फिर आपको एक डेट बुक करनी होगी, एक स्लॉट बुक करनी होगी। डेट मतलब उस डेट को आपको RTO ऑफिस जाना होगा, वहाँ पर टेस्ट होगा। उस सेट करने के बाद आपको एक लर्निंग लाइसेंस दे दिया जाएगा और उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है, 6 महीने होती है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर आपको मैं कंटिन्यू करके दिखाऊंगा आपको जो करना है इस वीडियो में। तो मैं दूसरी वीडियो में मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बारे में बताऊंगा क्या कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए। इस वीडियो में लर्नर लाइसेंस के लिए बता रहा हूँ। वो आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लर्निंग लाइसेंस के बाद ही मिलेगा। तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
इसमें कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो यह हमारे सामने पेज खुल कर आ जाएगा। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, आई यू डिप्लोमा फॉरेनर रिफ्यूजी, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल कैटेगरी मतलब कोई कोई जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा फॉरेनर बट डो नॉट डिप्लोमा फिजिकल चैलेंज, मतलब स्पेशल कैटेगरी कोई खास कैटेगरी में आते हैं, इसका आप यहाँ पर आप ले लेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे, इसको आप वैसे ही छोड़ देंगे। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अगर इसके बाद अगर आपके पास कोई पहले लर्नर लर्निंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर उसका नंबर डालेंगे। अगर आपके पास कोई लर्निंग लाइसेंस पहले नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। मेरा कहने मतलब ये था, अगर आपके पास यहाँ पर कोई पहला लर्निंग लाइसेंस है तो आप उसके यहाँ पर नंबर डालेंगे जो एक्सपायर हो गया है, और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप सबमिट पर क्लिक। अगर आपके पास कोई लर्निंग लाइसेंस नहीं है तो आप पहले से ही कोई लाइसेंस नहीं है तो आप उस पर टिक रहने देंगे, इस पर टिक नहीं करेंगे, इस पर टिक रहने देंगे तो आप सिर्फ सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, यहाँ पर हमको स्टेट चूज़ करना होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हरियाणा। उसके बाद हम यहाँ पर आरटीओ ऑफिस डाल देंगे, आरटीओ ऑफिस खुद ब खुद आ जाएगा कौन सा है आपका, खुद ब खुद नहीं आएगा। पहले हम यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे, जहाँ पिन कोड यहाँ पर डालोगे 1103, उसके बाद आपका आरटीओ ऑफिस आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा यहाँ गया। उसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, इसमें अपना नेम डाल देता हूँ ताजुल्ला। आप उसके बाद मिडल नेम डालेंगे अगर आपके पास है तो, अगर आप पास नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ लास्ट नेम खान। उसके बाद आप यहाँ पर रिलेशन चूज कर लेंगे कि आप रिलेशन कौन, फादर मादर हस्बैंड गार्डियन, इसमें उसका मादर का नेम लेना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ फादर का नेम देना चाहता हूँ। आप किसी मतलब उसके बाप का नेम देना चाहता हूँ, माँ का, हस्बैंड का, किसका नेम देना चाहते हैं पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर नाम दूंगा श्याउर। उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट नेम मिडल नेम देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एनपीआर नंबर डालेंगे। दोस्तों इसके बाद अब यहाँ पर जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है एनपीआर, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे, देखते हैं कि क्या कहता है, क्योंकि ये नया है कुछ। इसके बाद हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, हम जेंडर चूज करेंगे, मेल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे उस एप्लीकेंट की जिसका लाइसेंस बनना है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ 1996 जुलाई 7। उसके बाद हम यहाँ पर नेशनलिटी चूज करेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ चूज करेंगे, इंडिया है, प्लेस ऑफ बर्थ हम चूज कर लेंगे। यहाँ पर चूज कर सकते हो आप यहाँ पर चांद का। उसके बाद हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन चूज करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन चूज करेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्वालिफिकेशन 10th 10th+2। और उसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप चेंज करेंगे, ब्लड ग्रुप आप ड्राइविंग लाइसेंस, जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको ब्लड ग्रुप, ब्लड मतलब टेस्ट देना होता है, वो आपको ब्लड ग्रुप निकाल कर देते हैं कौन से कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो अब यहाँ पर चेंज करेंगे यार, यहाँ पर ब्लड ग्रुप, यहाँ पर जैसे बी है, बी है, बी चूज़ कर लेंगे। आप यहाँ पर एक अपना मोबाइल नंबर देंगे, ये मोबाइल नंबर आपके आधार ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक होगा, 6598 5। आप यहाँ पर एक ईमेल आईडी देंगे, ये ईमेल आईडी आपके बैंक वास्ते ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक होगी। मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दिया। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे 94। यहाँ से आप पूछ रहा है एक मोबाइल नंबर में डाल दिए, पूछ रहा है एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर वो नहीं हो तो दूसरा ले लें। इसके बाद दोस्तों स्कैन ऑन हेड मॉल ऑन राइट हेड एक्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशन मार्क डालेंगे। यहाँ पर आप मार्क देख सकते हैं कि अगर आपके आपके कोई मार्क है दिमाग मतलब सर में या कहीं ऑन हेड मॉल राइट हैंड मतलब कोई हाथ में मार्क है उसको आप यहाँ डालेंगे, अगर है तो इसमें डाल देता हूँ
अगर आपके पास कोई मार्क है हेड में, सर में, या कोई हाथ में, तो आप डालेंगे, अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, आप नीचे जाएंगे, आपके हरियाणा, फरीदाबाद, आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर अपनी तहसील चूज़ करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर विलेज चूज़ करेंगे, विलेज है या आपका टाउन है, तो हमारा विलेज है तो मैं विलेज चूज़ करूँगा, तो जो आपका है वो आप चूज़ करोगे। मैंने विलेज चूज़ कर लिया पहचान का। अब यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर डालोगे, एड्रेस लाइन नंबर ये पूछ रहा, हाउस नंबर डालोगे, आप हाउस नंबर क्या है तो मैं डाल देता हूँ 138, उसको डालने कुछ भी लाख देता है। उसके बाद डालने के बाद मैं यहाँ पर, अगर आपका कॉपी टू परमानेंट एड्रेस, आपका ऊपर का एड्रेस और जो निचला एड्रेस है कॉपी टू परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, तो आप यहाँ पर कॉपी, या मैं देख कॉपी पर क्लिक कर देंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर टिक कर देंगे तो वहाँ आपका सेम एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे चलेंगे, जैसे आप नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर देखा प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की टू तो सेलेक्ट मल्टीपल कॉब्स। दोस्तों अब यहाँ आती है असली चीज़, अब यहाँ से आप चूज़ करेंगे कि आप किस चीज़ का लाइसेंस बनाना चाहते हो। यहाँ से जैसे यहाँ से चूज़ करेंगे आप, यहाँ से आप जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जैसे मोटर साइकिल विदाउट गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल विद गियर, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसको ओके कर देंगे, और यहाँ पर आप उसको ओके कर देंगे, जब करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। अगर आप मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट MCG, मोटरसाइकिल और चार चार टायर वाली और दो टायर वाली का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आप दोनों को ऐड कर लेंगे। जैसे LME आप यहां से चूज़ कर लेंगे कि आप टू व्हीलर का बनाना चाहते हैं या फोर व्हीलर का। जैसे आप यहां पर मोटरसाइकिल 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 विदाउट गियर यहां पर देखेंगे नॉन ट्रांसपोर्ट MCWVG, ये तो मोटरसाइकिल की है, नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट MC लाइट मोटर व्हीसल, यहाँ पर थ्री व्हीलर है। जैसे आप उसको चूज़ करना चाहते हैं और यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ मैं ओके कर दूंगा, तो अब टू सिलेक्टेड हो गए। अब यहाँ पर हमारे दो चीज़ सिलेक्टर हो गई हैं। दरअसल मैंने आपको बताया यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो LMV है, जो LMV है दोस्तों, जो आप यार दे सकते हैं, जैसे जैसे मोटरसाइकिल विदाउट मोटरसाइकिल विदाउट ट्रांसपोर्ट MCG मोटरसाइकिल अडेप्टेड वाइसर ADPE, जब लाइट मोटर वाइसर LMV विद लाइट मोटर वाइसर है, मोटर वाइसर विद विदाउट गियर, मतलब कहना कि ये आप गूगल पर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको इनको समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको देख रहे हैं एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आप वाइसल रजिस्ट्रेशन, जिस वाइसल का लाइसेंस लेना चाहते हो उसका रजिस्टर नंबर फॉर NVC RG मतलब ये है कि इसका आप रजिस्टर, इसके लिए लाइसेंस अप्रूव लोगे, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालो उस गाड़ी का। तो दोस्तों चलिए मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पर आपको पहले चूज़ करने को कि आप दो व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हो या चार व्हीलर का, मतलब दो टायर वाले या चार टायर वाले, तो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चूज़ करेंगे, यहाँ पर से मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे जो जो LMV जो ये आप यहाँ पर दिख रहे हैं, ये LMV लाइट मोटर व्हीसल LMV, ये तो वो है चार व्हीलर वाली है, और ये यहाँ पर मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल विदाउट गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, ये विदाउट गियर की, लेकिन मोटरसाइकिल विद गियर इसको आप चूज़ कर लेंगे दोनों को, यहाँ भी इसको चूज़ कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी, इसको और इसको, मतलब वो तो क्योंकि अगर आपके पास दो व्हीलर का लाइसेंस है तो आप चार व्हीलर गाड़ी नहीं चला सकते, और अगर आप चार व्हीलर की तो आपके पास लाइसेंस है तो आप दो टायर वाली मतलब दो व्हीलर वाली बाइक नहीं चला सकते, तो हम दो ऐड कर लेंगे कि हम दोनों चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे उड़ले पर, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे। जैसे वेट करो, जैसे जैसे आपने यहाँ चूज कर लिया, यहाँ पर आगे दो टू सेलेक्टेड अगेन आप देख सकते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आपके समान दोस्तों आप इनके मायने समझते हो, जैसे LMV लाइट मोटरसाइकिल, जैसे मोटरसाइकिल विदाउट गियर जैसे MCG लाइट मोटरसाइकिल, तो इस वीडियो में आप गूगल पर चेक कर सकते हो, लेकिन आप इससे भी देख सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पर
तो दोस्तों मुझे तो सिर्फ टू व्हील का मतलब टू टायर का वाली मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, तो मैं इस एक को निकाल देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर लूँगा, मोटरसाइकिल विथ गियर नो ट्रांसपोर्ट। ओके, इसमें यहाँ पर क्लिक करें तो सिर्फ एक सेलेक्ट हो गई, मोटरसाइकिल विथ गियर कहाँ पर है। सब अगर चाहो तो यहाँ से इसको भी ऐड कर सकते हो, इसका मतलब ये कार है, ये कार का लाइसेंस भी आप ले सकते हो। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, ये आई हैव बीन कन्विक्टेड, जिसको अगर आपको कभी भी आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो आपको कैंसिल कर दिया है या सस्पेंडेड, माई लाइसेंस वॉज रिवोक्ड, प्लीज ट्राई। तो आप यहाँ पर यस करोगे, अगर आपको नहीं किया है तो आप उसको खाली छोड़ दोगे। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर आप एक्सीडेंट हो जाए तो आप अपने बॉडी के पार्ट को, जिस्म के अपने बॉडी के हिस्से को डोनेट मतलब किसी को सदका दे, किसी को देना चाहते हो तो आप यहाँ पर टिक करोगे। आई हियर बाय डिक्लेयर टू दैट माई नॉलेज एंड बिलीफ पार्टिकुलर गिवन अबव दिस, तो आप यहाँ पर टिक करोगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ दोगे। उसके बाद हम सबमिट, इसके बाद मैंने आपको बता दिया, अगर आपका कभी लाइसेंस रिजेक्ट हुआ है तो आप वहाँ पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप, अगर आपके ये ड्राइविंग कहाँ से किए तो आप यहाँ टिक करोगे, स्कूल से किए तो नहीं तो आप इसको छोड़ दोगे। उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, जैसे इंटर वैलिड फोन नंबर। दोस्तों मैंने उसमें मोबाइल नंबर 0 डाला है, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या कहते हैं। एप्लीकेंट इज बीइंग, ये कह रहा है कि अगर आपके पास पहले ही लाइसेंस है तो आपका एप्लीकेंट रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। आई विल शो यू वांट टू सबमिट द डाटा, ओके यस। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ अलग तरह का पेज आएगा। यहाँ के बाद अब आपका जो ये है सबमिट, यहाँ पर आपकी ये सब ये एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आप इसको प्रिंट अग्रणी पर क्लिक कर सकते हैं, इस प्रिंट पर अग्रणी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ इसको सेव सेव, उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव कर दिया। उसको सेव करने के बाद अब यहाँ पर हम, उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट करेंगे, हमने सेव कर लिया, हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर फीस पे करनी होगी। फीस पेमेंट देके फिर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फीस का ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आएंगे, वहाँ पर पेमेंट, मुझे पेमेंट नहीं करना क्योंकि मुझे थोड़ी अच्छा मेरा पास है। तो आप यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पर आएंगे, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर, आप यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप एप्लीकेंट नंबर, तो मैं वापस चलता हूँ। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेंट नंबर डालना होगा, जिसमें डाल लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना एप्लीकेंट नंबर डाल लिया है, उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। इसका दोस्तों प्रोसीडर ये है, अगर आप इसमें फीस पे करोगे तो जब भी इसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, नहीं तो इसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन आप फीस पे कर देते हो तो आप यहाँ पर आओगे, अपलोड डॉक्यूमेंट, आप यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पर आओगे तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपका छोटा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो आपके वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, जोन से डेट का बुक होगा, तो आप वहाँ पर जाओगे तो आपको लर्निंग लाइसेंस वहाँ से दे दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं कभी बनाऊँगा ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, उसमें फुल इन्फॉर्मेशन और सारे स्टेप आपके लिए बताऊंगा। दोस्तों इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं बचा है, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ फी पेमेंट करनी है, जो मुझे फीस दिखाएंगे आप उसमें, जिसका आप टू 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 व्हीलर का, चार व्हीलर का मतलब मोटरसाइकिल का या गाड़ी का लाइसेंस बनाना चाह रहे हो, उसमें आपको फीस दिख जाएगी, अलग अलग उसमें फीस कैलकुलेशन के साथ दिख जाएगी। तो उसके बाद आप क्या करना होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट मतलब सिर्फ उसमें एक तो आपको एड्रेस प्रूफ, एक एज प्रूफ, मतलब एक तो एज प्रूफ जो आधार कार्ड या पैन कार्ड, आप उसकी छोटी सी मतलब 2 MB की फाइल अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद उसमें फिर एज प्रूफ अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद कन्फर्म करेंगे। दोस्तों कन्फर्म करने के बाद आप जो नेक्स्ट आएंगे, वो नेक्स्ट आएंगे अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद आप डेट चूज़ करेंगे कि आप कौन सी डेट को RTO ऑफिस जाना चाहते हो। वो डेट चूज़ करने के बाद आप अपनी जो है उसका ग्रीन मतलब हरा हरा निशान आ जाएगा, जो आप जो सीट खाली होगी, जब जिस दिन वो RTO ऑफिस खाली होगी, मतलब जिस दिन आपको जाना होगा, वहाँ स्लॉट बुक करेंगे, वो डेट बुक करेंगे, उस दिन आप वहाँ चल जाएंगे। उस दिन आपको आपका लर्निंग लाइसेंस दे दिया जाएगा, या उसमें जो भी प्रोसेस है उस दिन दे दिया जाएगा, उसके अगले दिन दे दिया जाएगा।
तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। उसमें लेकिन जो आपको अपलोड करनी होगी उसकी साइज छोटी होनी चाहिए, मतलब 2 MB से कम की, 2 MB 1 MB की। दोस्तों एक चीज़ आपको ख़ास ध्यान रखनी है कि जो उसमें आपको जो वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट मतलब जो उसमें एड्रेस प्रूफ मतलब डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके लिए आप आधार कार्ड दे दो, वो उसकी MB के मतलब होनी चाहिए जिसमें उस वहाँ लिख रहा होगा। अगर आप वो आप नहीं जानते हो कैसे करते हैं तो एक एप्लीकेशन आती है प्ले स्टोर से, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वो छोटी हो जाएगी, मतलब उसकी कम MB हो जाएगी KB में। ऐसे आपकी पिक्चर आपका सिग्नेचर मतलब कम MB में होना चाहिए। दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये है वो कम MB में होना चाहिए, उसकी जो फाइल साइज है वो PNG में होना चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए फाइल साइज। फाइल साइज एक एप्लीकेशन से प्ले स्टोर से छोटी हो जाती है, उसको मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं आप सर्च कर सकते हैं। एक उसके बाद एक आप मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को आप उसमें डालेंगे, उसमें डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट डाल करने के बाद आपके आपका सक्सेस सब कुछ हो जाएगा। KB में होना चाहिए आपकी जो पिक्चर है, इमेजेस हैं, वो सब KB में होनी चाहिए।